नगरी जो कि अपनी धर्म और आस्था के लिए जानी जाती है, लेकिन एक बार फिर से काशी नगरी धर्म और आस्था की वजह से चर्चा में है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी कल से काफ़ी हलचल में है। यहां पर काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत कई विग्रहों पर सर्वे हो रहा है। वैसे तो संसद से ही तय कर दिया गया है कि किसी धार्मिक स्थल की स्थिति वैसी ही रहेगी जैसे 15 अगस्त 1947 को थी। केवल अयोध्या राम जन्मभूमि मामले को इससे छूट दी गई थी और कोर्ट के आदेश पर ही वहां मंदिर का निर्माण चल रहा है। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद केस में जिस तरह अदालत के निर्देश आ रहे हैं वो काफ़ी रोचक हो सकता है। दरअसल हम आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत कई विग्रहों पर इस वक्त सर्वे जारी है। ये सर्वे वाराणसी के सीनियर जज डिवीजन के आदेश पर हो रहा है। सर्वे के दौरान किसी तरीके की कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसका खास ख्याल रखा जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था भी रखी गई है। दरअसल 18 अगस्त 2021 को वाराणसी की 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजन दर्शन की मांग को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने वाद दर्ज कराया था। इस पर जज रवि कुमार दिवाकर ने मंदिर में सर्वे और वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया है। इसकी रिपोर्ट 10 मई तक मांगी गई है। इसी दिन इस मामले में सुनवाई भी होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर और वहीं स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी विवाद जारी है। ये विवाद 1991 से अदालत में है। अभी इस विवाद की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद काफ़ी हद तक अयोध्या विवाद जैसा ही है। हालांकि इसमें कई सारे पेंच भी है। अयोध्या के मामले में मस्जिद अकेली थी और मंदिर नहीं बना था, लेकिन इस मामले में मंदिर और मस्जिद दोनों ही बने हैं। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद को हटाया जाए और वो ज़मीन उन्हें दे दी जाए क्योंकि वो मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। और दरअसल हम आपको बता दें कि ये विवाद कैसे शुरू हुआ था, तो आइए जानते हैं। 1984 में देश भर के 500 से ज़्यादा संत दिल्ली में जुटे और धर्म संसद की शुरुआत भी यहीं से हुई। इस धर्म संसद में कहा गया कि हिंदू पक्ष अयोध्या काशी और मथुरा में अपने धर्मस्थलों पर दावा करना शुरू कर दें। अयोध्या में राम जन्मभूमि का विवाद था तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद जारी था। तो वहीं स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ मंदिर को सबसे अहम माना जाता है। अयोध्या पर हिंदू पक्ष का दावा तो आज़ादी से पहले ही चल रहा था, लिहाजा हिंदू संगठनों की नज़रें दो मस्जिदों पर जा टिकी। एक थी मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद तो दूसरी थी काशी की ज्ञानवापी मस्जिद। कहा जाता है कि अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये नारा अभी भी चल रहा है। फिर आया साल 1991 जब काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशज पंडित सोमनाथ व्यास, संस्कृत प्रोफेसर डॉक्टर रामशंकर शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता हरिहर पांडे ने वाराणसी सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर दी। इनके वकील थे विजय शंकर रस्तोगी। याचिका में तर्क दिया गया कि काशी विश्वनाथ का जो मूल मंदिर था उसे 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। सन 1969 में औरंगजेब ने इसे तोड़ दिया और इसकी जगह मस्जिद बनाई। इस मस्जिद को बनाने में मंदिर के अवशेषों का ही इस्तेमाल किया गया। याचिका में मंदिर की जमीन हिंदू समुदाय को वापस कराने की मांग की गई थी। साथ ही ये भी कहा गया कि इस मामले में प्लेसेस ऑफ वॉरशिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता क्योंकि मस्जिद को मंदिर के अवशेषों के ऊपर बनाया गया था जिसके हिस्से आज भी मौजूद है। ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाले संस्था अंजुमन इंतजामिया इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गई। उनकी दलील दी गई। इस विवाद में कोई फैसला नहीं लिया जा सका क्योंकि प्लेसेस ऑफ वॉरशिप एक्ट के तहत इसकी मनाही है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी। करीब 22 साल तक ये मामला लंबित पड़ा रहा। 2019 में वकील विजय शंकर रस्तोगी इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। उन्होंने याचिका दायर कर मांग की है कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पुरातत्व विभाग से कराया जाए और अभी ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। फिलहाल इस वक्त वाराणसी में आज भी सर्वे लगातार जारी है। 3 बजे से सर्वे शुरू हो जाएगा और देखना ये है कि फैसला क्या आता है। अधिकृत नहीं है हम लोग इसके बारे में, तो अधिकृत नहीं है। हम तो एक मैच चल रही है उसको लेके आए हैं। अच्छा भाई, सर्वे तो देखिए जी, पहले अपना नाम के साथ। मैं विष्णु शंकर जैन एडवोकेट हूँ जी। विष्णु जी, आज किस तरह की कार्रवाई कहाँ पे करने के? आज कमीशन की कार्रवाई हुई है और जो मस्जिद की वेस्टर्न साइड है उस पर कार्रवाई संपूर्ण हुई, उसकी वीडियोग्राफी हो गई है। जब मस्जिद के अंदर हम लोग जा रहे थे तो मुस्लिम साइड ने उसमें ऑब्जेक्ट किया है,
और काफ़ी देर बहसाबाजी के बाद उन्होंने उनकी कोशिश ये थी लटकाने अटकाने भटकाने की कि किसी भी तरह से बैरिकेडिंग के अंदर हम लोग ना जा सकें। कमिश्नर जो एडवोकेट कमिश्नर है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को भी इन्फॉर्म कर दिया है और कल हम लोग बैरिकेडिंग के अंदर जाके वीडियोग्राफी करेंगे। तो ये बैरिकेडिंग के अंदर कल 3 बजे से कमीशन की कार्रवाई होगी। आज क्या क्या मिला? आज क्या क्या? आज काफ़ी भारी मात्रा में हिंदू सभ्यता के हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले। माँ श्रृंगार गौरी की जहाँ पे प्रतिमा पे पूजा की जाती है उसके विग्रह और सारी देवी देवताओं के चिन्ह मिले। वो सारी चीज़ें कमीशन के एडवोकेट कमिश्नर साहब ने जो 2 कैमरामैन थे उनकी नेतृत्व में उसको रिकॉर्ड किया। लेकिन जो विवादित स्थल है वहाँ पर आप लोग नहीं जा सके? विवादित स्थल पे हम लोग कल जाएंगे। आज कमिश्नर साहब ने जाने के लिए पूरी कोशिश की थी और जो मुस्लिम पक्ष के वकील उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन किया। 1 घंटे तक उसी में बहस करते रहे कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। फिर कमिश्नर साहब ने जो प्रशासन उनको डायरेक्ट किया है और कल सूर्यास्त होने की वजह से आज आगे नहीं बढ़ पाए और कल हम लोग 3 बजे इसका निर्धारित है समय और कल 3 बजे हम लोग बैरिकेडिंग के अंदर जाएंगे। तो कोर्ट में ऑर्डर है या नहीं है? बिल्कुल कोर्ट का ऑर्डर जो है वो क्लियर ऑर्डर है, 26/4 का ऑर्डर है और मैं चाहूंगा आप सब लोग पढ़ लें। उसमें लिखा है कि बैरिकेडिंग के अंदर जा सकते हैं, लेकिन 26/4 का जो ऑर्डर है वो बैरिकेडिंग के अंदर जाने का ऑर्डर है, इसलिए सब लोग उसको पढ़ लें और मैं गलत बयान देने का आदी नहीं हूँ। तो 26/4 का ऑर्डर बहुत क्लियर है सिविल जज सीनियर डिवीजन साहब का और इसीलिए उसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए जो एडवोकेट कमिश्नर उन्होंने आज अपना आदेश जारी किया और कल हम लोग 3 बजे उसके अंदर जाएंगे। कहना था कि जो 91-30 भूमि संख्या पहले उसका नक्शा लाएं और पहले उसको कोर्ट में 91-30 भूमि संख्या जो दीन मोहम्मद का केस है उसमें लिखी हुई है। जो मुस्लिम पक्ष ने अपना ऑब्जेक्शन लगाया था एप्लीकेशन में उसमें 91-30 लिखा है। आप लोगों ने क्यों नहीं इसको पेश किया 91-30 का? अगर भैया इस जगह देखिए CPC में व्यवस्था है कि सूट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड होनी चाहिए, तो सूट प्रॉपर्टी 2 तरह से आइडेंटिफाइड हो सकती है, खसरा नंबर लिख के या उसके मीट्स एंड बाउंड से। हमने खसरा नंबर लिखा है और कोर्ट ने उस खसरा नंबर को मान के विवादित भूमि बैरिकेडिंग सारी बातें लिख के रेड जोन के अंदर जाने की अनुमति दी है। आज की तरह कल भी विवाद सर्वे कहेंगे या वीडियोग्राफी कहेंगे? इसको एडवोकेट कमिश्नर का सर्वे और वीडियोग्राफी कहेंगे। आज की तरह कल भी अगर अवरोध होगा तब? देखिए जिला प्रशासन की ड्यूटी है कि वो एडवोकेट कमिश्नर का आदेश माने और एडवोकेट कमिश्नर ने जिला प्रशासन को इन्फॉर्म कर दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कल हम अपना काम जो है आगे संपूर्ण करेंगे। सर एक बार नाम एक बार फिर से बता दें। मेरा नाम विष्णु शंकर जैन है। किस तरफ से एडवोकेट? मैं हिंदू पक्ष की तरफ से एडवोकेट हूँ, राखी सिंह और जितने 5 याचिकर्ता उनकी तरफ से मैं वकील हूँ। कितना परसेंट आज वीडियोग्राफी हो गई है? अरे अभी तो पश्चिमी छोर की हुई है। अच्छा, पश्चिमी का क्या प्लान है? कल कहाँ कहाँ कमिश्नर ने कल का समय दिया है? अच्छा, लेकिन हम लोग उनके समय से और उनकी कार्रवाई से असंतुष्ट हैं, इसलिए कल कोर्ट में हम लोग अप्लीकेशन देंगे। जो किन बिंदुओं पर असंतुष्टि है आप लोगों? हम लोग का संतुष्टि है कि कमिश्नर महोदय एक कमिश्नर का एक निष्पक्ष भूमिका नहीं रही है। अच्छा। वो संदिग्ध थी और वादीगण के अधिवक्ताओं के कहने के अनुसार वो जैसा जैसा कह रहे थे वैसे वैसे वो वीडियोग्राफी करा रहे थे और उन्होंने स्पष्ट तौर से ये कहा कि हमको मस्जिद के अंदर ताला तोड़वा खोल करके घुसने का भी आदेश दिया गया है कोर्ट के द्वारा, जबकि इस तरह का कोई कोर्ट का आदेश नहीं है, लिहाजा हमको कमिश्नर के निष्पक्षता पर संदेह है। अंदर जाने का सवाल ही पैदा नहीं, कोई ऑर्डर ही नहीं है, कोई ऑर्डर ही नहीं अंदर जाने का। अच्छा, आपका परिचय सर? मैं अभय यादव एडवोकेट। अच्छा, किसकी तरफ से? अंजुमन। तो कल क्या कुछ? अरे अब जायदा भाई साहब, आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें Z News Digital Media के साथ।